नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बिहार नदी में एक युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस के मुताबिक मंगलवार की शाम करहिया घाट के आगे चकदही घाट के समीप अज्ञात शव मिलने की सूचना आई थी। इसके बाद चुरहटा पुलिस ने कंट्रोल रूम को अवगत कराया। अज्ञात लाश को बरामद करने होमगार्ड से गोताखोर व एसडीआरएफ टीम मौके पर भेजी, जिसने स्टीमर बोट की मदद से लाश को नदी से बाहर निकाला। शुरुआत में मृतक की शिनाख्ती न होने के चलते रात में चुरहटा पुलिस ने लाश को संजय गांधी अस्पताल की मर्चरी में रखवा दिया, साथ ही आसपास के थानों को सूचना भिजवाई। तब कहीं जाकर आज बुधवार की सुबह मृतक की पहचान हो पाई। ऐसे में पंचनामा कार्रवाई के बाद पीएम कराते हुए लाश परिजनों को सौंप दी। एसडीएमए चौकी पुलिस ने बताया कि मृतक विकास कुमार तिवारी पुत्र सुशील तिवारी 31 वर्ष निवासी सुरसा खुर्द थाना रायपुर का रहने वाला है। वह बीते दिनों अचानक घर से लापता हो गया था, जिसकी लाश 9 मई की शाम बिहार नदी में मिली। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया। फिलहाल चुरहटा पुलिस मृतक के घर वालों से पूरी जानकारी जुटा रही है। वहीं डिंडौरी में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम व जिला प्रभारी कादिर सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज से नारी शक्ति के लिए 1500 और 500 में गैस सिलेंडर देने की जानकारी दी। 15 महीने की कमलनाथ सरकार की चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। डिंडौरी विधायक ओमकार मरकाम ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस के बिकाऊ विधायक जा चुके हैं, अब केवल टिकाऊ नेता बचे हैं। जनता भाजपा नेताओं के झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। धरातल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। देश में राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ की सरकार बनते ही प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कुल मिलाकर गरीब महिला को साल भर में 25,000 रुपए का लाभ सीधा मिलेगा। आयतनिर्माणी खमरिया की सुरक्षा दीवार में दो तेंदुओं को चहलकदम करता देख मचा हड़कंप। दीवार पर चढ़े तेंदुओं को देख ओएफके का सुरक्षा अमला भी हरकत में आ गया। बताया जाता है कि F6 व F3 सेक्शन के समीप सुरक्षा दीवार पर दो तेंदुओं को यहां से वहां घूमते देखा गया, जिसके बाद यह कयास लगाया जाए कि मादा व नर तेंदुए का जोड़ा है। लंबे समय से तेंदुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाले कर्मचारियों का कहना है कि जब भी मादा तेंदुओं को बच्चे को जन्म देना होता है, वह उक्त क्षेत्र में आ जाती है, क्योंकि वहां कर्मचारियों का आना जाना नहीं होता। वहीं अन्य कोई जानवर की पहुंच से भी दूर होता है। लिहाजा सुरक्षित स्थान का चयन मादा तेंदुआ ने बच्चों को जन्म देने के लिए किया। बच्चों के जन्म के बाद वह उन्हें दीवार के रास्ते से ही बाहर ले जाती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा नारी सम्मान योजना के आगाज के बाद आज बुधवार को भोपाल के वार्ड 46 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कैंप लगाया गया। महिलाओं को योजना से लाभान्वित करने के लिए उनके फॉर्म भरे गए। साथ ही इस मौके पर क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल, शहीद पार्षद गुड्डू चौहान मौजूद रहे। विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस महंगाई से लड़ने के लिए नया फार्मूला लाई है। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हर घर में 500 में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1500 रुपए हर महिला के अकाउंट में दिए जाएंगे। इस योजना में कोई नियम लागू नहीं है। महिला के आधार कार्ड और अकाउंट का ब्यौरा लिया जा रहा है। बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां महिलाओं को 1500 रुपए और 500 में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ये मेरा घर है, मेरे को हटने दे। धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को कि जिन्होंने महंगाई से लड़ने के लिए नया फार्मूला लेके आए हैं।
कि कांग्रेस की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में तो 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा और 1500 रुपए हर बहन के हर महिला के अकाउंट में आएंगे। कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई उसका नियम नहीं। महिला उसका आधार कार्ड, उसका अकाउंट नंबर, उससे वो मिलेगा और गैस सिलेंडर उसके पास है, 500 रुपए में मिलेगा। ये इस नारे के साथ है कि हर गांव-गांव से नाता है, महंगाई से लड़ना हमको आता है। ये महंगाई से इस तरह से लड़ेंगे, बेरोजगारी से इस तरह लड़ेंगे, महिला का परिवार वो ठीक से चला सके, इसलिए 1500 रुपए और 600 रुपए कम, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कमलनाथ जी ने योजना शुरू की है। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। ये महिला सम्मान का मामला है पूरे मध्य प्रदेश में। और ये एक चीज और सुन लीजिए के पूत के पांव पालने में, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 1500 रुपए भी वहाँ मिल रहे हैं और 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी मिल रहा है। योजना लॉन्च हो गई, आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कॉपी कर रहे हैं, बीजेपी बोल रही है आप लोग कॉपी कर रहे हैं लाडली बहन योजना का। और कितना झूठ बोलेंगे, सुन लो कितना झूठ बोलेंगे। अरे ये जो इनकी योजना है ये हिमाचल प्रदेश की नकल है। ये 15 साल में 20 साल में मुख्यमंत्री ने 1000 क्यों नहीं दिए और इतने क्राइटेरिया क्यों लगा दिए कि अगर स्कूटर है महिला के पास तो नहीं मिलेगा, नौकरी में है तो नहीं मिलेगा, उसका पति नौकरी कर रहा है तो नहीं मिलेगा, क्या मतलब? अरे महिला महिला है, उसको कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए जो कमलनाथ जी ने किया है। बगैर क्राइटेरिया के ये उनको पैसे सर, मिलेंगे। सर आप विपक्ष में हैं लेकिन फॉर्म अभी से भराया जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि लोगों की प्राइवेसी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पास रख रहे हैं, साइबर ठगी होती है, कोई फ्रॉड होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात बीजेपी के विधायक कर रहे हैं। ये इसमें हम लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें नंबर दिए हुए एक एक, ये अभी देख लीजिए। नहीं कार्य असंवैधानिक बता रहे हैं जी साहब। ये एक नंबर, ये 18 लाख एक से ये नंबर शुरू हुआ है, ये नंबर रहेंगे दक्षिण पश्चिम का और नंबर हमारे पास सिक्योर्ड रहेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी इन लोगों को ये मिलेंगे। इसमें कहीं कोई किसी तरह का फ्रॉड की सवाल नहीं है। ये फ्रॉड करने वालों के दिमाग में फ्रॉड आता है, ये इनके दिमाग में क्यों आ रहा है? ये क्योंकि फ्रॉड करते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेता ही महिलाओं के खातों में डाका डालेंगे, ये आरोप लगा रहे बीजेपी के विधायक। कब तक झूठ बोलेंगे, असंवैधानिक बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? झूठ अकाउंट नंबर थोड़ी ले रहे हैं, कोई अकाउंट नंबर नहीं ले रहे हैं, किसी अकाउंट नंबर का ले रहे हैं। ठीक, इसमें तो केवल उनका आधार ले रहे हैं। इसमें टैक्स का क्राइटेरिया क्या होगा, जिस तरीके से बीजेपी ने बताया था कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स भरने वालों एलिजिबल? कोई क्राइटेरिया नहीं, चार पहिया वाहन जिसके पास होगा तो वो झुग्गी झुग्गी में रहने वाला कोई लखपति भी है, नौकरी भी कर रहा है, सबके लिए है, ओपन, इट इज ए ओपन स्कीम। सर, और दूसरी चीज, सज्जन वर्मा और कांतिलाल भूरिया बोल रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। ये किसी ने नहीं बोला, ये झूठ फैला रही है बीजेपी। ये जो भी जनता को परेशान करेगा, जो वो कोई भी हो, उसको कमलनाथ जी की कांग्रेस की पार्टी नहीं छोड़ेगी। कोई भी जनता को परेशान करेगा, कोई भी हो, बजरंग दल भी चाहे हो, कोई एक्स वाई जेड। ये 20 साल में याद आई? अरे 20 साल तक जनसेवा क्यों नहीं की? प्रचार कर रहे हैं, जनसेवा की हो गई, ये कुछ नहीं है, चुनावी मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। चलिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर्नाटक चुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आने वाली। ललन सिंह ने इशारे में भाजपा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर भी बयान दिया। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर पलटवार किया है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यालय के कर्पूरी सभागार में बोल रहे थे। दरभंगा मेयर अंजुमारा ने तीर थाम लिया है। जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दरभंगा के मेयर अंजुमारा को प्राथमिक सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, जल संसाधन मंत्री संजय झा और समाज कल्याण मंत्री मदन साहनी मौजूद थे। वहीं सभा के दौरान ललन सिंह ने मीडिया पर बोलते हुए कहा कि यह क्रैक हो गया है। मीडिया कल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था क्योंकि मीडिया पहले निर्भीक था, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा गया है, क्रैक हो गया है।
गोदी मीडिया केंद्र के एजेंडा में लगा हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया को जनता समझ गई है, केंद्र के एजेंडा को चला रहा है। उन्होंने कहा कि आप लगे रहिए, आपको कौन रोका है, जनता भी समझ गई है। मीडिया के न्यूज पर आप विश्वास मत कीजिए, आप जनता समाज में एकता बनाए रखिए। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।